आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माई थर्ड लेक्चर। हमारी रिप्रोडक्शन की जो यूनिट चल रही थी, लास्ट क्लास में हमने जो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसी में हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप थोड़े से डिस्कस कर रहे थे। आज उसका कंप्लीट डिस्कशन होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं उसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रिप्रोडक्शन से, जिसको हम प्राकृतिक कायिक जनन भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं मेथड बाई स्टेम की, स्टेम्स के थ्रू भी जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है बल्ब, कंद के रूप में हमारे पास एग्जाम्पल है पटेटो आलू का, जिसमें आई बर्ड्स आ जाती है, आंख कलिका या बोलते हैं इसको, और यही आगे जाकर जो है पूरा प्लांट डेवलप्ड करेगी। हम देखते हैं हमारे घर में भी आलू पड़ा रहता है, तो उसमें ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे से वो जर्मिनेशन हो जाता है, तो वो आई बर्ड्स होती है। अब इसका जो है आगे जाकर अगर हम इम्प्लांट करें तो उससे नया प्लांट मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल कॉर्न, धनकंड में है टेरो रूट अरबी का। थर्ड एग्जाम्पल राइजोम, प्रकंद में जिंजर अदरक का। ये तो हो गया आपके कंद, धनकंद और प्रकंद। अब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो एग्जाम्पल है, इसमें हम जो है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कभी कभी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से इसके एग्जाम्पल और इसके पैटर्न को समझेंगे हम। रनर, इसको हम हिंदी वाले स्टूडेंट जो है ऊपरी भूस्तरी या ऊपरी भूस्तरी का भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल घास, धूप घास, अलग अलग ग्रास की स्पीसीज है वो हम ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, रनर जो बोला गया है वो इसकी स्टेम का नेचर कैसा है, इसका स्टेम जो है पैरेलल चलता है, ये जो सोइल या फिर ग्राउंड का लेवल है उसके जस्ट ऊपर की तरफ पैरेलल चलता है, और जो नोड्स होती है वहां से ऊपर की तरफ लीव्स निकलती है, और उसके जस्ट नोड वाले पॉइंट से ही जो है आपको रूट्स निकलती हुई दिखती है, और ये रूट्स वहां से निकलकर जमीन के अंदर की तरफ धंसती है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम फिफ्थ, स्टोलन का, इसको हम भूस्तरी भी बोलते हैं या भूस्तरी का भी बोलते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मिंट, पुदीना। इसमें क्या होगा कि जो स्टेम होगा वो जमीन से थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा और वही नोड से ही जुड़ा हुआ रहेगा, और यहां पर जो है सिर्फ पत्तियां बाहर की तरफ निकली हुई दिखेगी। सिक्स एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं शकर का, जो है अंतः भूस्तरी। शक्कर में एग्जाम्पल हम स्ट्रॉबेरी का लेंगे, स्ट्रॉबेरी का प्लांट हम देखते हैं, हम फ्री फील्ड में भी देखते हैं, तो पूरा का पूरा प्लांट और उसके लीव्स का भी मैक्सिमम पार्ट जो अंदर की तरफ रहता है, और लीव्स का थोड़ा सा पार्ट और फ्रूट जो ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है। देखिए आप स्टेम और ये नोड्स, ये पार्ट पूरा नीचे की तरफ जो है ग्राउंड में रहता है, इसलिए इसको अंतः भूस्तरी या शक्कर बोलते हैं। तो इन एग्जाम्पल से हमेशा कंपटीशन एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन बनते हैं फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स से। अब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स के एग्जांपल। अब हम सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बाय रूट, जड़ों के द्वारा। फर्स्ट है इसमें वुडी रूट्स में, जो काष्ठीय जड़ें होती है उसमें क्या होता है, इनकी रूट्स में जो है ऑटोमेटिकली प्ररोह डेवलप्ड हो जाता है, शूट डेवलप्ड हो जाता है, और उस शूट से आगे जाकर जो है ऑटोमेटिकली न्यू प्लांट बॉडी बन जाती है। एग्जाम्पल याद रखना है आपको नीम और शीशम का। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे ट्यूबरस रूट का, ट्यूबरस रूट जो है वो है कंदीय जड़ है। इसमें क्या होता है कि यहां पर जो है रूट्स जो है वो फूल जाती है, रूट्स फूल जाती है, थोड़ी सी ऐसे मोटी मोटी सी हो जाएगी, जैसे कि आपके स्वीट पोटैटो, डहेलिया, एस्पारेगस में स्वीट पोटैटो आपका शकरकंद होता है, और उसके बाद उसके अंदर एडवांटेजियस बर्ड्स निकल जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है, और जिससे जो है नया प्लांट बॉडी बन जाता है। तो ये हो गए आपके रूट और शूट स्टेम के एग्जांपल। आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, हमारी जो वॉटर हाइसिंथ होती है आइकोनिया जलकुंभी, वो किसका एग्जाम्पल है, स्टेम का है या रूट का है, और रूट या स्टेम में भी वो किसका एग्जाम्पल है,
उसका मुझे परफेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हम थर्ड टाइप पढ़ लेते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लीव्स के थ्रू किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसके अंदर दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा की पत्तियों में हम देखते हैं कि इसकी जो पत्तियां थोड़ी मांसल थोड़ी सी मोटी होती है और किनारों से जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पर तीखी तीखी सी होती है, थोड़े से जो है खुरदरी होती है। इसकी यहाँ पर क्या होता है, जो एज होता है किनारी होती है फलक की, पर्ण फलक की, उसके वहाँ पर जो है एडवांटिटियस जो बर्ड निकल जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं वहाँ पर निकल जाती है। और यही एडवांटेजियस बर्ड्स जो है आगे जाकर जो है न्यू प्लांट बनाती है। अगर यहाँ पर ये निकल चुकी थी, इसको यहाँ से कट कर लेंगे तो ये एडवांटेजियस बर्ड को हम दूसरी जगह प्लांट करेंगे तो वहां पर न्यू प्लांट बॉडी डेवलप्ड हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल लीफ में लेंगे हम बिगोनिया के प्लांट में। बिगोनिया के प्लांट में क्या होता है, जो वेन्स होती है, जो शिरा होती है पत्ती की, और इसका जो पिट्यूल होता है पर्ण व्रंथ, उसके वहां पर जो है लीफ बर्ड निकल जाती है, पर्णी कलिकाएं यहां पर निकल जाती है। और इसको अगर हम दूसरी जगह ले जाकर इम्प्लांट कर दें या प्लांट कर दें तो वहां पर जो है नया पादप बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये तीन टाइप पूरे होते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फोर्थ टाइप, या हम कह सकते हैं लास्ट टाइप है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जननांगों के द्वारा भी जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। कायिक प्रवर्धन यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है अगे वगे रामबांस। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स है, लीव्स तो लीव्स रहती है, लेकिन लीव्स जब पूरी मेच्यूरेशन को गेन कर लेती है, जब प्लांट पूरे मेच्यूरेशन को गेन कर लेता है, तो इसके बीच में से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट निकलता है जिसको हम बोलेंगे ट्यूबिल पत्र प्रकलिकाएं। और अगर आप इसको यहां से कट कर दें या फिर ऑटोमेटिकली यहां से आप दूसरा प्लांट निकलने लग जाएगा, और अगर हम यहां से इसको हटाकर दूसरी जगह लगा देंगे तो भी हो सकता है और ये गिर कर भी नया प्लांट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डायोस्कोरिया का, रतालू के अंदर। इसमें जो ये लीव्स है और ये स्टेम है, इसके यहाँ नीचे जहां से लीव्स निकलती है उसके जस्ट नीचे वही पत्र प्रकलिकाएं बिल्बिल निकलती है। और ये यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करती है और आगे जाके नया प्लांट बनाती है। तो यहां तक हमने जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बहुत से एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप। बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जो सेकंड टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जनन, जिसमें हम फर्स्ट टाइप मेथड की बात करेंगे कटिंग या कर्तन के द्वारा। इसमें हम कटिंग लेंगे या तो स्टेम की या रूट की, तने या जड़ की। तो जिस भी प्लांट की हम कटिंग लेनी है तो फर्स्ट बात हमें वो ध्यान रखनी है कि वो जो प्लांट है वो एक दो बार ब्रीडिंग कर चुका हो, उस पर फ्लावरिंग ऑलरेडी हो चुकी हो और वो ग्रोइंग पार्ट होगा, वहां से हमें कटिंग लेनी है। तो उसके अलावा भी कुछ फैक्टर है जैसे कि लेंथ ऑफ प्रोपेग्यूल। लेंथ ऑफ प्रोपेग्यूल मतलब कि जो प्रवर्ध है उसकी लंबाई, अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग होती है, इसका हमें ध्यान रखना है प्रवर्ध की लंबाई का। जो हम कटिंग ले रहे हैं जहां से ले रहे हैं उसकी लंबाई का हमें ध्यान रखना है। एज एंड कंडीशन ऑफ पेरेंट प्लांट, प्लांट मेच्योर होना चाहिए। थर्ड है इन्वायरमेंटल कंडीशन एट प्लांटिंग। जब हम कटिंग को प्लांट कर रहे हैं, रोपित कर रहे हैं दूसरी जगह मिट्टी में या गमले में या खेत में, तो ध्यान रखना है कि उस समय जो है या कंडीशन जो है वो फेवरेबल हो प्लांट के लिए। इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे सुगर कैन, ग्रेप्स और रोज। वही रूट कटिंग के अंदर हम वर्टिकल कटिंग यूज करेंगे और जैसे यूज करेंगे और उसको जो है प्लांट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके अपर पार्ट से जो है थोड़ा सा जो है जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तब तक हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कंडीशंस वो कि वो जो स्टेम कटिंग में फॉलो करी वही फॉलो करेंगे। इसके एग्जांपल हमारे नींबू, अमरूद, एप्पल, चेरी, ये सभी
हो जाएंगे। चलिए अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं, लेयरिंग, जिसको बोलते हैं दाब लगाना। इस मेथड में जो लेयरिंग है वो कहाँ पर करी है, ऑन लैंड करी है, मिट्टी के ऊपर करी है या एयर में करी है, उसी बेस पे इसके नाम हो जाएंगे। फर्स्ट है माउंट लेयरिंग या टीला दाब विधि। यह मेन जो वुडी प्लांट है बड़े बड़े उसमें यूज नहीं करी जाती है, जो सॉफ्ट पार्ट वाले प्लांट होते हैं जैसे कि जैस्मिन हो गया, मोगरा हो गया, उसमें यूज करेंगे। और इसमें जो ग्रोथ करने वाली जो ब्रांच होगी उसको जो है जमीन के पास से ही मोड़ देंगे और उसको जो है माउंट कर देंगे, उसको जो है जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ध्यान रखेंगे हम इसकी जो उसको गाड़ेंगे तब जो लीव्स है, लीव्स वाला पार्ट भी थोड़ा अंदर होना चाहिए, फिर हम इसके ऊपर जो है और मिट्टी और फर्टिलाइजर डाल देंगे। बाद में इस पर हम पानी का छिड़काव करते रहेंगे, वाटर सप्लाई अपने स्टार्ट रखेंगे। और अब जब तक यहाँ पर रूट जर्मिनेशन नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखना होगा। और लगभग लगभग 3 से 4 वीक के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रूट जर्मिनेशन हो गया है, तो हमें इसको जो है बिल्कुल माउंट के पास वाले पार्ट से कट कर लेंगे और विथ माउंट जो है टीला समेत इसको उठाकर किसी भी दूसरी जगह हम इसको ले जा सकते हैं। यह आपको बिल्कुल नया प्लांट मिल जाएगा। ये मेथड अगर एयर में फॉलो हो तो एयर में फॉलो होगा वुडी प्लांट्स के ऊपर, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं हमारे सारे उसके ऊपर हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो ग्रोइंग करने वाली ब्रांच है उसके ऊपर पहले उसको ऊपर की जो जितनी भी ब्रिक्स है, जितनी भी लेयर है वो हटाएंगे और फिर जो है हम इसके ऊपर थोड़े से कट लगाएंगे और फिर उसके चारों तरफ मिट्टी, फर्टिलाइजर और मॉस होगी तो मॉस को चारों तरफ कवर कर देंगे और ऊपर की तरफ एक मटका या वाटर सप्लाई के लिए कुछ करेंगे, वहां से पानी की सप्लाई कर देंगे और डोरी से बांध देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक गुट्टी या एक लेयरिंग तैयार हो जाएगी और 7 to 8 weeks के बाद जब यहाँ पर रूट जर्मिनेशन हो जाएगा तब हम इसको जो है इस वाले पार्ट को यहाँ से कट कर लेंगे और आपको एक नया प्लांट मिल जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लास्ट पार्ट या मेथड पर हम आ चुके हैं, जो थर्ड मेथड है ग्राफ्टिंग या रोपण। पहले हम ग्राफ्टिंग को समझते हैं। ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है, ठीक है डियर। इसमें क्या होता है कि हम दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट लेते हैं, ठीक है, और वो जो डिफरेंट वेराइटी होती है, एक अपर वेराइटी होती है जो बहुत अच्छी उन्नत किस्म की होती है और एक लोअर वेराइटी होती है। जो अपर वेराइटी होती है उसको हम जो है साइन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कलम। जबकि जिस इसको हम जो है इम्प्लांट करेंगे, ग्राफ्ट करेंगे किसमें, स्कंद में, स्टॉक। ये स्टॉक अदर प्लांट है जो लोअर वेराइटी का है, उसको बोलेंगे हम स्कंद या स्टॉक। अब इसको हम किस तरीके से सायन और स्टॉक को आपस में ज्वाइंट करते हैं उसके बेस पे ये चार टाइप का है, वीप और टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग। तो फर्स्ट देखते हैं हम वीप और टंग ग्राफ्टिंग, इसको जीवा रोपण भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो कलम लेते हैं, सायन लेते हैं, उसकी जो बड आरी होती है इसको तिरछा काट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे काट रखा है, और बीच में इस तरीके से स्टॉक के ऊपर एक हल्का सा वी और ढलान देता हुआ, जस्ट लाइक हमारी टंग के का जो स्ट्रक्चर है उस टाइप पे इसका कट करेंगे और इस और जो सायन है उसका कट कुछ इस तरीके से करेंगे और आपस में इसको फिक्स कर देंगे और उसके ऊपर बाद में रस्सी बांध देंगे और हम जो है पानी की सप्लाई इसमें स्टार्ट रखेंगे। थोड़े दिन बाद हम देखेंगे कि इसमें बडिंग ऑटोमेटिकली जो होती है वो होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर हमें जो है नया प्लांट मिल जाएगा। इस तरीके से वेज में हम वी टाइप का कट लगाएंगे, ठीक है, और ऊपर से जो है निकुला होगा कलम, सायन जो है निकुला होगा और स्टॉक में वी टाइप का कट हमें लगाना है, ये वेज टाइप हो जाएगा। तो थर्ड टाइप देखते हैं हम, क्राउन टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किरीट या मुकुट रोपण। इसमें क्या होता है, जो स्टॉक होता है वो बहुत ओल्ड वन लेते हैं, बहुत अच्छा सा पेड़ जो पुराना हो चुका है जिसने बहुत अच्छी सी फ्रूटिंग करी, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, जिसका जो स्टेम हो और स्टेम की जो विड्थ हो, जो चौड़ाई हो बहुत अच्छी हो, उसका डायमीटर अच्छा हो, उसको ऐसे ट्रांसफर काट कर लेंगे और उसके ऊपर जो हम अदर प्लांट जो है उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे, उसके साइन की ग्राफ्टिंग करेंगे, कलम की ग्राफ्टिंग करेंगे और इस तरीके से लगा देंगे जैसे कि राजा का कोई मुकुट हो। फिर थर्ड टाइप का है बड। बड में हम साइन को जो है
टी शेप का कट लगाएंगे स्टोव पे और फिर इस तरीके से इसमें इम्प्लांट कर देंगे। तो आज हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दोनों टाइप को पूरे डिटेल में पढ़ लिया है और यहाँ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ख़त्म होता है। आगे भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।